सभी किसान साथियों का हमारे चैनल स्मार्ट एजुटेक में स्वागत है। जो भी साथी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देवें और बेल आइकन को प्रेस कर देवें। आज हम आपको बताएंगे प्रो एग्रो के हाइब्रिड मस्टर्ड के बारे में, जिसकी वेराइटी है 5232 उसके बारे में। तो साथियों, प्रो एग्रो जैसा कि आप सभी को पता है क्रिस्टल कंपनी का आता है, जिसका हाइब्रिड मस्टर्ड जो है हाइब्रिड राइडा, वो एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है, प्रो एग्रो के नाम से बिकता है। तो इसके अंदर एक नई वेराइटी निकाली है 5232, जो हर परिस्थिति के अंदर हर परिस्थिति में सर्वोत्तम पैदावार देती हैं और इसके अंदर ऑयल परसेंट भी अच्छा आता है। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो साथियों क्रिस्टल का जो सरसों है 5232, इसकी अवधि है जो 125 से लेके 130 दिन की अवधि होती है और इसका दाना मोटा रहता है और इसके अंदर जो फुटान है वो अच्छी आती हैं, मतलब अधिक शाखाएँ निकलती हैं और फलियों की संख्या है वो भी ज़्यादा रहती है और लंबी फली और दाने भी ज़्यादा होते हैं और ये व्यापक रूप से अनुकूल हैं। इसके अलावा इसका अधिक उत्पादन भी अधिक होता है और तेल की मात्रा भी बहुत ज़्यादा आती है। तो काफ़ी किसान बोल रहे हैं कि राइडे का बीज पायोनियर का बोएं या प्रो एग्रो का, तो मैं आपको बता देता हूँ पायोनियर से भी अच्छी वेराइटी है ये 5232। और इसकी जो सीड रेट है वो क्या रखनी चाहिए उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो साथियों इसकी सीड रेट है वो करीब एक एकड़ के अंदर 1 किलो रख सकते हैं और इसके अलावा ज़मीन पानी पे भी डिपेंड करता है। और इसकी बीजाई है वो करीब थोड़ा डिस्टेंस रख के करें तो भी सही रहेगी। बीज की बुआई है वो 45 सेंटीमीटर तक की दूरी के साथ करें तो अच्छी पैदावार होगी और 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी कतारों के अंदर बुआई करें और 4 से 5 सेंटीमीटर तक गहरी रखनी है और उर्वरक की गहराई भी 7 से 8 सेंटीमीटर की रखनी है ताकि बीज के सीधे संपर्क में न आए और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर तक रहें। और इसकी सिंचाई है वो वास्तविक मात्रा की भूमि के प्रकार, मौसम व फसल की अवधि पर भी निर्भर करती है। सिंचाई के लिए सरसों की 2 प्रमुख क्रांतिक अवस्थाएँ मानी जाती हैं, जिसके अंदर पहली है वो शाखाएं बनते समय बुआई के 30 दिन बाद, मतलब बुआई के 30 दिन बाद में, और फलियां बनते समय बुआई के 60 से 65 दिन बाद में। और इसके अंदर अपन सल्फर भी दे सकते हैं, जो सल्फोनाइट बेंटोनाइट सल्फर आता है वो, और जिस समय खेत तैयार करते हैं ज़मीन उस समय 60 से 80 क्विंटल तक गोबर की खाद भी डाल सकते हैं और 8 किलो सल्फर और 500 ग्राम बोरोन भूमि में पर एकड़ में मिला सकते हैं ताकि और भी अच्छी पैदावार हो जाए। और ये वेराइटी हैं जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, MP, गुजरात और BR के अंदर रिकमेंडेड हैं। तो साथियों इसके अंदर फैट भी अच्छी आती हैं और प्रोडक्शन भी अच्छा होता है, इसके लिए आप इसकी बुआई कर सकते हैं। ये हर परिस्थिति के अंदर सर्वोत्तम पैदावार देता है और राइड के अंदर प्रो एग्रो एक बहुत ही अच्छा ब्रांड माना जाता है, जिससे कि आपकी अच्छी पैदावार हो, इसलिए अच्छे बीज का चयन करें और हाइब्रिड बाजरा 5232 आप ज़रूर लगाएं।